नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। आज हमारा विषय है प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला। प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला, मैं इसे प्राचीन भारतीय वास्तुकला या स्थापत्य कला इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हम मंदिर वास्तुकला को देखेंगे प्रमुख रूप से। वैसे अगर हम भारत के जो प्राचीन भारत में वास्तुकला स्थापत्य कला की अगर बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो स्नानागार मिला है, जो अन्नागार प्राप्त हुआ, जो दूसरे मकान प्राप्त हुए हैं वो भी वास्तुकला स्थापत्य कला का ही एक रूप है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में भी आप देखेंगे, उस वक्त बौद्ध जैन के समय भी देखेंगे आप, जो स्तूप चैत्य विहार जो बनाए गए थे वो भी वास्तुकला का ही एक उदाहरण है। लेकिन हम जो है इस वीडियो में मंदिर वास्तुकला के विषय में देखेंगे। तो भारत में, प्राचीन भारत में मंदिर वास्तुकला की तीन शैलियाँ विकसित हुई। प्रथम नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरा बेसर शैली। इन्हीं तीनों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ कब से होता है। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल से भारत में मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ होता है, अर्थात कि मंदिर बनाना शुरू किया गया गुप्त काल में। तो जैसे कि मैंने बताया कि तीन शैलियां विकसित हुई, तो हम उसमें देखते हैं पहला नागर शैली। नागर शैली जो कि उत्तर भारत की शैली थी, ये जो है नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय जो कि उत्तर भारत में ही कुछ ऐसा, वहां से लेकर विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है कुछ ऐसा, विंध्याचल प्रदेश और उत्तर में हिमालय, इन दोनों के बीच के क्षेत्र में नागर शैली विकसित हुई, जिसे उत्तर भारत कहते हैं। हाँ, पूरा ये उत्तर भारत में विकसित हुआ। इसका जो सीमा अगर पूछा जाता है तो हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक। इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश प्रमुख था इसका जो क्षेत्र, उसके अलावा इसमें गुजरात महाराष्ट्र के भी क्षेत्र थे, उड़ीसा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो नागर शैली का जो आधार है, मंदिर का एक आधार होता है, हालांकि कुछ भी चीज का कोई ना कोई आधार होता है, कोई भी भवन आप बनाएंगे तो उसका आधार होता है। तो नागर शैली में जितने भी मंदिर बने हैं उनका आधार चतुर्भुज के आकार का है, मतलब चौकोर है, चार कोने हैं। और इसका जो विशेषता है, सर्वप्रमुख विशेषता, वह है इनकी शिखर। इनका जो शिखर बहुत ही खूबसूरत होता है नागर शैली में बना हुआ। हालांकि सभी मंदिर खूबसूरत होते हैं लेकिन इनकी जो अलग विशेषता, एक अलग रूप प्रदान करता है, वो शिखर है। अब देख लेते हैं कि नागर शैली में बने कुछ प्रमुख मंदिर। तो इसमें पहला है, सबसे प्रमुख है कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है, जो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो, जो कि चंदेल वंशीय शासक राजा धंग द्वारा बनवाया गया था। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा आप देखिएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, और सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी, हाँ ये तीनों उड़ीसा में ही हैं। हाँ, अब हम ये थे नागर शैली के मंदिर। बस आपको इसके चतुर्भुज के आकार का, मतलब इसका जो आधार चतुर्भुज था ये आपको याद रखना है। इसकी शिखर सर्वप्रमुख विशेषता, जो मैंने मंदिर बताए उनको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मुख्यतः दक्षिण भारत की शैली थी। इसका जो अगर सीमारेखा की बात करें तो ये कृष्णा नदी जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश से बहती है, यहां से लेकर दक्षिण भारत में जो भारत का जो अंतिम छोर है कन्याकुमारी, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में द्रविड़ शैली विकसित हुई। द्रविड़ शैली, इसके विकास में पल्लव वंशीय शासकों का महत्वपूर्ण योगदान था, या फिर आप कह सकते हैं कि पल्लव शासकों द्वारा ही द्रविड़ शैली को विकसित किया गया। तो इसकी विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। तो इसके जो आधार है वो अष्टभुजीय होता है। हमने नागर शैली का देखा जो कि चतुष्कोणीय होता है, चार कोने होते हैं, लेकिन द्रविड़ शैली में जो आधार है वो आठ भुजाओं वाला होता है, अष्टभुज। और इसके जो शिखर है पिरामिड के समान होता है, पिरामिड मिस्र जो पिरामिड है उसके समान होता है इसका शिखर। अब इसमें हम देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। तो मामल्लपुरम के मंदिर जो कि पल्लव वंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया था। उस बात कांची का कैलाश मंदिर, कांची जिसे कांचीपुरम भी कहा जाता है,
वहां का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जो कि पल्लव वंशीय शासक थे। अरे जो कांची जो नगर है ये पल्लव वंशीय शासकों की राजधानी थी। इसके बाद हम देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर का निर्माण चोल वंशीय शासक राजा राज प्रथम द्वारा किया गया था। इसके बाद आप याद रखिएगा तिरुमलाई का मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, तो ये सभी द्रविड़ शैली में निर्मित कुछ प्रमुख मंदिर थे। तो ये थे द्रविड़ शैली। अब देखते हैं हम बेसर शैली। बेसर शैली जो है द्रविड़ शैली नीचे था और नागर शैली ऊपर था, तो इन दोनों के बीच में विकसित हुआ बेसर शैली। मैंने आप लोगों को बताया कि नागर शैली हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत यहाँ मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरता है, और बताया मैंने द्रविड़ शैली कृष्णा नदी जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश से बहता है और इधर कन्याकुमारी तक, तो जो बीच में जो क्षेत्र बच रहा है विंध्याचल पर्वत और कृष्णा नदी के जो बीच का जो क्षेत्र बच रहा है उसे दक्षिणाव्रत कहा जाता था। तो इसी दक्षिणाव्रत में बेसर शैली का विकास हुआ। बेसर शैली में नागर शैली की भी विशेषताएं शामिल थी और द्रविड़ शैली की भी विशेषताएं शामिल थी। अगर कहा जाए कि ये दोनों का एक मिला जुला रूप था, नागर शैली द्रविड़ शैली का, इसका जो आधार होता था अर्धगोलाकार होता था, अर्धगोलाकार होता था बेसर शैली का आधार। इसके कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, और महाराष्ट्र में ही एलिफेंटा की गुफाएं। तो ये थी प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।